हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, ये फ्लिपकार्ट से मैं मंगाई हूँ कटर, प्लांट कटर, जो ये बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आपको भी इसका लिंक डालूँगी तो आप मंगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट में ना बिल्कुल भी लेमन नहीं आता। एक ये प्लांट है तो इसमें आया है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसमें अभी बरसात का मौसम है, तो इसको मैं कटिंग कर देती हूँ कि इसमें बहुत अच्छा अच्छा लींबू आए। तो है तो बहुत बिग प्लांट हो गया है 3 साल का, लेकिन अभी तक एक भी इसमें नहीं आया है। उधर मत, जितना कटा हुआ ना सबको नीचे रख दीजिए, बाद में जब सूख जाएगा उसके बाद फिर फेंक दिया जाएगा। उसकी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन मैं इसकी कटिंग भी नहीं लगाऊंगी। ऐसे छोटी छोटी लीफ भी इसकी आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी सी है। तो ये देखिए, इतना अच्छा मौसम है, बारिश होने का मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग, काफ़ी बिग प्लांट होने की वजह से कट भी नहीं रहा, बहुत मुश्किल से कट रहा है। देखिए ये कट गया, और इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। भूसी बहुत ज़्यादा हो गया और इसका भूमिंग करना ज़रूरी हो गया है। और इसकी लीफ भी अब बड़ी हो रही है, अगर भूमिंग करूँगी तो और भी अच्छी लीफ आएगी, और फिर हो सकता है इसमें फिर अब आए। इस प्लांट में तो बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ है। ये सबसे अच्छा है, ये मैं नर्सरी से लाई थी, और ये मैं बीज से लगाई थी, जो नहीं कटिंग करके, सॉरी, जैसे नींबू का प्लांट था बहुत अच्छा मेरा पहले से, तो उसकी कटिंग करके मैं इसे लगाई थी। तो ये अच्छे से लग गया था, लेकिन उसमें अभी तक फल नहीं है। लेकिन ये मैं हाजीपुर से मंगाई थी, इसका एक प्लांट ही मंगाई थी, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ही ग्रीन है, और ये थोड़ा और बड़ा होगा तो जूसी होगा। तो ये इस बार, इससे एक बार पहले भी आया था फल, तो वो खाने लायक नहीं था, वो बिल्कुल अपने से झर के गिर गया था। इस बार बहुत इतनी बारिश होने की वजह, इतने बाद भी बहुत अच्छा इसमें रह गया, नहीं इसका जैसे नींबू नीचे नहीं गिरा और ये इस प्लांट में रह गया, मतलब मजबूत वाला था। और एक इसमें, ये इस प्लांट में न्यू पहली बार आया है, लेकिन अभी तक इसका ग्रोथ बड़ा ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा है। तो इस लगता है इस प्लांट में से हम लोग नहीं खा पाएंगे। और ये एक तुलसी प्लांट इसके साथ हो गया है, जो हो सकता है इसकी मिट्टी को इसके, लेकिन बहुत साइड में है, लेकिन फिर मैं मुझे हटा देना चाहिए था। हो सकता है इसके वजह से कि इसकी मिट्टी में कोई, लेकिन तो ऐसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सोच रही हूँ कि हटा दूँ, कि बहुत ज़्यादा इसका रूट आ गया है, और उसकी वजह से क्या है, इसकी प्लांट को डिस्टर्ब होता होगा। तो ये बहुत बड़ा हो गया प्लांट, क्योंकि ये नींबू प्लांट है ना, अब इसके पूरा अगर इसका ये ले लेगा ना, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस प्लांट को हटाना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि इसके पूरे देखिए, और इसमें छोटा सा स्नेक प्लांट भी आ गया है, और ये देखिए इसमें भी इतना अच्छा रूट आ गया है। तो इसको भी मैं कुछ छोटे ऐसे पॉट में लगा दूँगी, मिनी पॉट में। अभी फ़िलहाल तुम यहीं पे रहो, जब मिनी पॉट लाऊँगी ना फिर तुम्हें ले जाऊँगी। लेकिन इस प्लांट को हटा रही हूँ, तुलसी प्लांट को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ये सूख भी गया था, काफ़ी सूख गया, और इसका रूट की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा था, इसलिए सॉरी। देखिए इसका पूरा, क्योंकि ना दूसरे प्लांट एक प्लांट में रहते ना, तो उसका उसके लिए नहीं, ऐसे तो साइड में था, लेकिन फिर भी ये निकल गया, बहुत आसानी से निकल जाता है, ऊपर रहता है। और इसमें मैं राख भी डाल दी थी, और अभी मैं इसका भूमिंग करके अच्छे से इसको, अब इसमें कुछ खाद वाद डाल के, और बॉन्सी भी लेके आई हूँ, वो भी डालूँगी इसमें जो फर्स्ट बार। और यहाँ देखिए ये लगा हुआ प्लांट, तो इसकी भी पूरी लत्ती इस पर पकड़ ली है, पूरी लत्ती इस पर, ये सोच रहा है कि मुझे कोई डंटा की ज़रूरत नहीं है, ये सब पे पूरा चिपक चिपक के इतना लंबा हो गया है। और फाइनली ये इसमें देखिए, इसमें रूट में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें, 24 रुपीज़। तो ये इस बहुत ज़्यादा सूख गया था, इसकी वजह से भी मैं इसे हटा दी, नहीं तो नहीं हटाई थी काफ़ी दिनों से। लेकिन अब जो कुछ कुछ प्लांट है पौधे इसमें, तो इसमें से निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, काम आएगा। और यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, इसमें अब जो भी कुछ ग्रोथ के लिए इसके
और एक प्लांट हटा तो ये दूसरी प्लांट, लेकिन इसी इसमें लगा हुआ है, ये इसका दूसरा है, इसमें लगा हुआ है इसका, और यहाँ से ये इस तरीके से लतर लतर के लतर लतर के यहाँ पूरा, और हो रहा है इसकी कटिंग। देखिए इतना सारा कट कट के यहाँ पे पूरा रख दिया गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक भी लेम्बू नहीं है। देखिए ये दूसरे पौधे का है, ये दूसरा पौधा है, ये देखिए ये लेम्बू है, यहाँ भी देखिए, नहीं लेकिन ये दूसरा प्लांट है और ये दूसरा जिसकी बड़ा कटिंग पत्ता वाला है, ये छोटा पत्ता है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी अलग है। यहाँ देखो इसका, ये दूसरा प्लांट है, इसकी इसका अलग से लेके आई थी ना, और इसकी लीफ से ही इसे लगाई थी, तो कुछ तो कमी है इसमें। नीचे दिया जाएगा खाद वगैरह, कटिंग करते हैं, देखते हैं फिर आगे इसका क्या होता है रिजल्ट। हल्का लग रहा है, पेड़ को भी पूरा इसमें इसको सांस मिला, पूरा हल्का हल्का लग रहा है, पूरा कटिंग करके बहुत ही, ये बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको ये कैसा है कटर? बहुत अच्छा है, कट जा रहा आसानी से थोड़ा, लेकिन ताकत लगाना पड़ता है, ताकत तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ना, नहीं नहीं इसके जो ये ना लीफ रूट जो होते हैं ना, रूट रूट इसके थोड़े मजबूत हैं, रूट नहीं लीफ जो उसका है, रूट तो नीचे है ना, बहुत मोटा हो गया इसका लीफ, देखिए कितना ज्यादा सख्त हो गया, लेकिन सारे इसकी कटिंग कर दिया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इसमें कांटा एक्सेस, देखिए कांटा इसका, देखिए कितना लंबा लंबा, ये देखिए ये है कांटा, और ये देखिए जिसको ऐसे गत गया ना तो ब्लड आ जाएगा, इसलिए इसको अब हम पूरा कटिंग कर देते हैं। जब इसका फल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसका भी कटिंग करेंगे और इसका भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने पर रूट और मोटा होगा, मजबूत होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें और भी अच्छा। फिर और देखिए फ्रेंड्स, ये बरगद प्लांट लगाने की वजह से सारे सादा जितना सदाबहार इसके अंदर लगा होता सबको पीला कर दिया, बोला तुम सब हटो सिर्फ मैं रहूँगा और इसको सिर्फ इसी को रखना है, ये सिर्फ यही रहेगा। और इसको तो मैं अलग से लगाई हुई, इसको पॉट बस डाल देती क्योंकि पॉट टूट गया था ना तो इसमें बहुत सारा रूट आ गया था, तो मैं इसके ऊपर रख दी कि इसको ताकत मिलेगा अलग से। फिर अब इसको यहाँ देखिए सबको कटिंग कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो देखिए ब्रांच जो, वाह तितली उड़ी, ये देखिए फ्रेंड्स ये तितली इतनी प्यारी, ये डेली इसी टाइम आती है, डेली और फूलों पे बैठती है, इसको बहुत पसंद है, ये फ्लावर्स वगैरह इस पे बैठ जाती है आके। वाह कितनी प्यारी है, ये डेली इसी टाइम आती है और अपने फूलों से रस, और ये देखिए दो दो, ये डेली इसी टाइम आती है, बहुत प्यारी है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कट कर करके करके इतना सारा हो गया, आप लोगों को कटिंग चाहिए तो बता दीजिए, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है, यहाँ से बहुत अच्छे से ये रेड कटिंग लग जाएगा, लेकिन इसकी फ्लावर एक भी इसमें लेम्बू नहीं आया था, इसलिए सबको मैं काट रही हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, बहुत टाइट हो गया है, बहुत आराम आराम से यहाँ पे उड़े कटिंग। यहाँ पे भी है तुलसी प्लांट, एक हटाई हूँ लेकिन इसमें बहुत अच्छा लीफ आया और ये सूखा भी नहीं है अभी, ये इसका पूरा हड़ा हड़ा है, हड़ा भड़ा, ये बरगद का प्लांट और ये सब सदाबहार सुखा दिया है, तो ये अभी इसमें बहुत प्यारे प्यारे हैं, फ्लावरिंग हो रहे हैं, तो अभी रहने देती हूँ लेकिन इस सबको भी हटा देंगे क्योंकि सिर्फ बरगद इसमें रहेगा और इसकी बॉन्साई बहुत अच्छे से बन जाएगी इसमें। ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, जो जो एकदम ये है हरा हरा है वो बहुत जल्दी कट जाता है ना, वो जल्दी कट जा रहा है, सबको काट दीजिए, बिल्कुल भी कोई लीफ नहीं नज़र आना चाहिए, इतना सड़ा हो गया है प्लांट, सॉरी लीफ डाली डाली है डाली स्टीम स्टीम नहीं स्टेम बोलते स्टेम स्टेम डाली को बोलते हैं स्टेम,
और ये इतनी प्यारी इसकी लीफ है, इसकी बहुत लोग इसके चाय में, सादी चाय में भी बहुत लोग इसको डालते हैं। बहुत अच्छा है ना, इसे कटर बहुत अच्छा है। इतना मोटा मोटा भी इसका था, सब कट गया। देखिए इतना इतना भी कट गया। एक बार में कट गया, इतना अच्छा ये है। इसको कट करके और इसको क्लीन करना पड़ता है। मुझे कितना सारा यहाँ पे इतना छोटू सा हो गया है। इसके भी एक प्लांट को हटा देती हूँ, बिल्कुल सब सूख गया है। सब सूख गया, बारिश होगी तब हटेगा, जब सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं, बहुत टाइट हो गया इसका रूट, लेकिन हटाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इस प्लांट के साथ अब कोई प्लांट देखिए किसी को नहीं रहने देगा, क्योंकि इसका रूट इतना होता है ना, इसका रूट इतना होता है कि कोई और रहना, क्योंकि इसका रूट बहुत मजबूत होता है, बहुत मोटा रूट होता है, इसलिए साइड साइड से सबको हटा देते हैं। पूरा खाली खाली सा हो गया एकदम, पूरा कट कर करके एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, पूरे को आज काट दीजिए। देखिए इतना सारा, और 1 वीक के बाद देखिएगा इसमें लीफ आना शुरू हो जाएगा, और इसे मैं इसकी पूरी ये करके इसमें खाद वगैरह डालूँगी, कमठौनी किया जाएगा इसका, और उसके बाद इसमें पड़ेगा खाद, गोबर खाद, और अब यहाँ देखिए फाइनल पूरा कट हो गया, और ये देखिए कैसा सूखा डल्ली हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लीफ भी इसमें नहीं है, और बहुत अच्छा फिर इसमें लीफ आ जाएगा। ये देखिए अब इस तरीके से इसको करके हम लोग इसमें जितना कुछ डालना होगा सब इसमें डालेंगे, और जब इसमें यहाँ देखिए इतना सारा है, और यहाँ कि यहाँ तुलसी प्लांट, इसको इसकी लीफ को मैं कुछ कुछ निकाल ली हूँ, ये भी हो गया खाली। चलिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नीम खली, और सब सूखी सूखी लीफ को हटा लेते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं बोन मील। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।